नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट साइंस स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास अपडेट में आपका स्वागत है। भारत ने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में हराया, पहले टेस्ट सीरीज उसके बाद वनडे सीरीज में, और इतिहास रच दिया, उसकी हर तरफ यहां पर चर्चा हो रही है। कई दिग्गज खिलाड़ियों ने यहाँ पर टीम इंडिया को बधाई दी है और टीम इंडिया की तारीफें की, और इसी तारीफों के कशीदे में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी दिग्गज यहाँ पे शामिल है। कई ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने यहाँ पे भारतीय टीम की जमकर सराहना की, और इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ा है डीन जोन्स का। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी डीन जोन्स कमाल के बल्लेबाज थे और यहाँ पे उन्होंने टीम इंडिया की जमकर तारीफें की, और 1980 के दशक के वेस्ट इंडीज़ के साथ इसका कंपेयर किया। 1980 में यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ की टीम काफ़ी मजबूत थी, वेस्ट इंडीज़ की गेंदबाजी से पूरी दुनिया खौफ खाती थी, और उसी को लेके यहाँ पे डीन जोन्स ने कहा कि टीम इंडिया की अभी जिस प्रकार की गेंदबाजी है उससे अब पूरी दुनिया डरती है। भारतीय टीम कहीं पे भी किसी भी कोई भी कंट्री को वहाँ पे जाके हरा सकती, इतना दमखम रखती है। डीन जोन्स का एक बड़ा बयान भारतीय टीम के लिए खुशी की बात है, और जिस तरीके से 1980 में से 1990 तक वेस्ट इंडीज़ का खौफ हर टीम खाती थी, उसी प्रकार अभी टीम इंडिया का खौफ कायम है। बहरहाल देखना होगा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 23 जनवरी से यहाँ पे सीरीज शुरू होगा, 5 वनडे मैचों का इस सीरीज, भारतीय टीम का यहाँ पे प्रदर्शन कैसा रहता है। साथ में यहाँ पे डीन जोन्स ने हमारे तेज गेंदबाजों की जमकर सराहना की, भुवनेश्वर कुमार की तारीफें की, साथ में कुलदीप यादव जिन्होंने टेस्ट में कमाल की गेंदबाजी की, जसप्रीत बुमराह की भी उन्होंने जमकर तारीफें की, साथ में यजवेंद्र चहल को लेके एक बड़ी बात बोली उन्होंने कि जिस प्रकार यजवेंद्र चहल को पहला ही मौका मिला था आखिरी वनडे मैच में, वो सबसे क्रिटिकल यहाँ पे सिचुएशन था कि जो टीम वहाँ पे मैच जीतती वो सीरीज जीत जाती। डिसाइडर मैच में जिस तरीके से यजवेंद्र चहल ने गेंदबाजी की और ऑस्ट्रेलियाई टीम को ढेर कर दिया, यहाँ पे भारतीय टीम की गेंदबाजी स्पिनर और पेसर दोनों ही कमाल के हैं, और इसकी बदौलत भारतीय टीम कहीं पे भी यहाँ पे मैच जीत सकती है। तो देखना होगा कि डीन जोन्स को जितना भरोसा है भारतीय टीम पर, क्या वो भरोसा भारतीय टीम न्यूजीलैंड में उनका कायम रख पाती है कि नहीं। भारत का न्यूजीलैंड दौरा 23 जनवरी से शुरू हो जाएगा, पहले 5 वनडे मैच खेले जाएंगे, उसके बाद 3 T20 मैच खेले जाएंगे, और भारतीय टीम का प्रदर्शन कैसा रहेगा इस पर भी हमारी भी नज़र रहेगी। अपडेट्स के साथ हम बने रहेंगे। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। आप हमारे नेक्स्ट साइंस स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।